राजस्थान के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का सपना साकार हो गया है। डबल इंजन की भाजपा सरकार की ओर से ईआरसीपी की सौगात देने के बाद अब पूर्वी राजस्थान का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेगी। सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होने के बाद पूर्वी राजस्थान का किसान अब खुशहाल नजर आएगा। प्रदेश के 21 जिलों के लिए जीवनदायिनी इस योजना से किसान ही नहीं बल्कि प्रदेश की भी तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदल जाएगी। हमारी खास पेशकश में जीवनदायिनी में हम आपको बताएंगे कि ईआरसीपी से किस तरह से राजस्थान पहुंचेगा पानी और कैसे बदलेगी प्रदेश की तस्वीर और तकदीर। मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से निकलने वाली चंबल नदी पूर्वी राजस्थान के किसानों की किस्मत बदल देने वाली है। चंबल के उद्गम स्थल जानापाव के बाद हम आपको लेकर चलते हैं कूल नदी, जहां से राजस्थान में ईआरसीपी का सफर शुरू होगा। चंबल का पानी कूल नदी से होता हुआ आगे बढ़ेगा और प्रदेश के 21 जिलों की वर्षों पुरानी आस को पूरा करेगा। ईआरसीपी के तहत मिलने वाले चंबल का पानी का पहला पड़ाव रामगढ़ बैराज होगा, जिसमें कुल क्षमता 50.49 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। राजस्थान की लाइफलाइन ईआरसीपी योजना की सौगात मिल गई है। प्रदेश के 21 जिले योजना के तहत लाभान्वित होंगे। बीते 5 सालों में राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा ईआरसीपी के तहत राज्य में चंबल से पानी लाने पर मध्य प्रदेश सरकार से सहमति नहीं बन पाई, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही दोनों राज्यों में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के क्रियान्वयन को आखिर हरी झंडी मिल गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में एक साथ बैठकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित दोनों राज्यों के जल योजनाओं से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। चंबल का पानी राजस्थान को देने पर अब मध्य प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में चंबल के उद्गम स्थल यानी जनापाव, जिसे भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है, वहाँ का दौरा करके अब हम राजस्थान पहुँचे हैं। ये वो नदी है जिसे कूल नदी के नाम से जाना जाता है। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश से आने वाले चंबल के पानी को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान की ईआरसीपी की शुरुआत यहीं से होगी और राजस्थान के 21 जिलों का गला भी यही नदी तर करेगी। यहीं से होकर पानी आगे बढ़ेगा। यहीं पर रामगढ़ बैराज बनाया जाएगा, जिसकी भराव क्षमता 50.49 MCM बताई जा रही है। जी हाँ, यहीं से पानी आगे होता हुआ महलपुर बैराज यानी पार्वती नदी में जाएगा। मंगलोल तहसील, वो भी बारा जिले में है, यहाँ 162.20 MCM भराव क्षमता का बैराज बनेगा। इसके आगे चलेंगे तो आएगा नवनेरा बैराज यानी कालीसिंध नदी, जो कोटा जिले में आती है, यहाँ भी एक बैराज बनेगा जिसकी भराव क्षमता रहेगी 226.65 MCM। इससे आगे निकलने पर मेज बैराज आएगा, जो मेज नदी पर बना है, इंद्रगढ़ तहसील जिला बूंदी। जी हाँ, यहाँ भी भराव क्षमता 50.80 MCM की रहेगी। इससे आगे चलेंगे तो एक और बैराज मिलेगा, राठौड़ बैराज, जो बनास नदी पर बना होगा, चौथ का बड़वारा तहसील के सवाई माधोपुर क्षेत्र में, जहाँ भराव क्षमता 143.09 MCM होगी। और अंतिम पड़ाव यानी डूंगरी बांध, जो बनास नदी पर बनाया जाएगा सवाई माधोपुर में, 2099 MCM क्षमता का ये बांध होगा। और देखिए,
5 बैराज और 1 बांध राजस्थान के 21 जिलों को जोड़ेंगे। 21 जिलों का मतलब है करोड़ों लोगों को पानी मिलेगा। जी हां, 3 करोड़ से अधिक लोगों की प्यास बुझेगी, 20 साल का इंतजार खत्म होगा। और ये वो नदी है जो मध्य प्रदेश को जोड़कर ईआरसीपी की शुरुआत राजस्थान के 21 जिलों में करेगी और वहाँ 2.8 लाख हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्र के लिए भी पानी मिल सकेगा। तो यहीं से शुरुआत होगी ईआरसीपी की। ये नदी गवाह बनेगी, कूल नदी गवाह बनेगी ईआरसीपी की और यहीं से 21 जिलों में पानी जाएगा। राजस्थान में ईआरसीपी की शुरुआत अन्नपूर्णा नगरी 12 से होगी। 12 के किशनगंज पंचायत समिति की कूल नदी पर रामगढ़ बैराज बनाया जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार होने के बाद रामगढ़ बैराज का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। चंबल के पानी का पहला पड़ाव रामगढ़ बैराज में होगा, जिसकी कुल भराव क्षमता 50.49 MCM प्रस्तावित है। यहीं से चंबल का जल राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ेगा। रामगढ़ बैराज से निकला पानी 167 किलोमीटर का सफर तय कर टोंक जिले के बीसलपुर और ईसरदा बांध तक पहुंचेगा। इस सफर के दौरान पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी को जोड़कर ईआरसीपी का सपना पूरा होगा, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों और आमजन को होगा। इस समय हम 12 के किशनगंज के रेलावन गांव में हैं। ये गांव मुख्यतः सिख समुदाय का है और खेती पर ही इनका जोर है, प्रमुख धंधा भी खेती है। किसानों से सीधे तौर पे बात करेंगे, ईआरसीपी को लेकर के क्या कुछ कहना है? ईआरसीपी को लेकर हमें भाई खुशी हुई है, अभी भाई हमें सूचना मिली है कि उस पर मंजूरी हो रही है, तो सब किसानों को फायदा ही होगा। काफ़ी सालों से परियोजना को रोका जा रहा था, हर साल हम मांगे उठा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही थी। किसानों, सभी किसान जत्थेदारियों ने काफ़ी मांगे की थी भाई ये होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही थी। वो अब हमें पता लगा भाई नई सरकार आई है तो योजना को मंजूरी मिली है, तो सभी किसानों में खुशी है। कितने किसान होंगे आपके इलाके में? किसान तो सर यहाँ बहुत हैं, काफ़ी हजारों किसान हैं। 80% किसानी खेती पे ही है, सारा एरिया डिपेंड, बहुत सारे किसान हैं जो खेती कर। और ईआरसीपी आएगी तो पेयजल के साथ खेती के लिए भी पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा तो सही, अगर योजना लागू होगी तो और बनेगी तो परियोजना पानी खेती के लिए मिलेगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, ईआरसीपी आ रही है तो किस तरह की खुशी? बहुत अच्छी खुशी है सर, आने वाले टाइम के लिए किसानों का मतलब बहुत अच्छा भविष्य है और 24 घंटे नहरें चलेंगी, पानी मिलेगा, वो और नई खेतियां भी होंगी यहाँ पे, गन्ने की खेती भी हो सकती है और भी कई मतलब उपजाऊ जिनको पानी ज़्यादा चाहिए वो खेतियां हो जाएंगी यहाँ पे। बताया ये भी जा रहा है कि उद्योग धंधे भी लगेंगे, उसके अलावा स्थानीय हाथ यानी युवाओं को भी काम मिलेगा। देखिए कभी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो जाहिर सी बात है युवाओं को काम, युवाओं को काम तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसमें काफ़ी बेरोजगार जो भी हैं उनको, युवाओं को काम मिलेगा। रेनावल गांव के सिख समुदाय का कहना है कि 80% लोग केवल खेती पर जी रहे हैं और ईआरसीपी आएगी तो सिंचाई के साथ पेयजल का पानी मिलेगा, पूरे गांव के दिन फिरेंगे। और खुशी की बात यह है कि अब ईआरसीपी की मंजूरी के बाद इनकी उम्मीदें और बढ़ी हैं और पूरी होने को इंतजार रहेगा। ईआरसीपी से राजस्थान की 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिल सकेगा। पहले 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र थी, जबकि अब 2 लाख नया क्षेत्र जुड़ जाएगा। इससे प्रदेश के 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी मिल सकेगा। प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले पानी से 32 बांध भरे जा सकेंगे। इनमें जयपुर का रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध और पूर्व निर्मित 26 बांधों का जीर्णोद्धार हो सकेगा। राजस्थान में यूं रहेगा ईआरसीपी का सफर। रामगढ़ बैराज, 12 जिले की किशनगंज पंचायत समिति के रामगढ़ में स्थित कूल नदी पर बन रहे रामगढ़ बैराज की क्षमता 50.49 MCM होगी। महलपुर बैराज, 12 जिले की मांगरोल तहसील में बनने वाले इस महलपुर बैराज की भराव क्षमता 162.20 MCM होगी। नवनेरा बैराज,
कोटा जिले के पीपलदा में काली सिंध नदी पर बन रहे इस बैराज की भराव क्षमता 226.65 MCM होगी। मेज बैराज, बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील की मेज नदी पर बन रहे इस बैराज की भराव क्षमता 50.80 MCM होगी। राठौड़ बैराज, सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा तहसील में बन रहे इस बांध की कुल भराव क्षमता 143.09 MCM होगी। डूंगरी बांध, सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में बन रहे डूंगरी बांध की भराव क्षमता 2099 MCM होगी। यह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत जल संग्रहण के लिए मुख्य बांध होगा। परियोजना के तहत 2,00,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। कूल नदी पर ही कुछ साथी और मिले हैं, इनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि ERCP राजस्थान को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्या जानते हैं आप? जी सर, बिल्कुल, ये राजस्थान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी काफ़ी समय से डिमांड भी चल रही थी और इसकी समय के अनुसार आवश्यकता भी थी, तो इस नहर से काफ़ी गाँवों को जो है पेयजल की और सिंचाई की सुविधा मिलेगी और काफ़ी ग्रामीण जो है लाभान्वित होंगे और सरकार को भी इसके लिए हम लोग बहुत थैंक करना चाहते हैं, ताकि उन्होंने लोगों के लिए बहुत जो काफ़ी समय से लंबित परियोजना थी उसके ऊपर काम किया और ध्यान दिया, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं और ERCP आने के बाद स्थानीय लोगों को काम भी मिल सकेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो यहाँ बारह को लेकर किस प्रकार के रोजगार मिल सकते हैं, क्या कुछ विकास हो सकता है? जी सर, बारह में एक तो जो है अपने पेयजल की थोड़ी समस्या है, तो पेयजल के ऊपर काम किया जाए और जैसे भी नदी पे पुल वगैरह बन रहे हैं और जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ के, उनमें स्थानीय लोगों को जो है काम दिया जाए, प्लांटेशन के ऊपर थोड़ा काम किया जाए, इधर अपने रामगढ़ माता जी के यहाँ पे भी डेवलपमेंट, धार्मिक स्थानों पे काफ़ी सारी जगह पे, और जहाँ जहाँ भी पानी की जो किल्लत चल रही है वो इस योजना के माध्यम से प्लांट लगा के जो है पहुँचाया जाए, हर घर तक पेयजल पहुँचाया जाए। तो ये हैं युवा जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्लांटेशन किया जाए, जो विकास कार्य यहाँ ERCP के माध्यम से होंगे उनमें युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलना चाहिए, ताकि देखिए बारह में जो निम्न स्तर के लोग हैं या मध्यम श्रेणी के जो परिवार हैं उनके युवाओं को दो वक्त की रोटी मिल सके और काम मिल सके और ERCP कई लाख परिवारों का परिवार भी पाल सके। ERCP के तहत प्रदेश में नहरी तंत्र की कुल लंबाई 1268 किलोमीटर प्रस्तावित है, जिसमें ग्रेविटी फीडर की लंबाई 965 किलोमीटर, टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर, पंपिंग की लंबाई 141 किलोमीटर और नेचुरल स्ट्रीम की लंबाई 157.5 किलोमीटर है। इस परियोजना के तहत 15 जगहों पर पंपिंग स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। राजस्थान में ERCP के सपने को मूर्त रूप कूल नदी से मिलेगा। कूल नदी से होकर पानी आगे 21 जिलों तक जाएगा और करोड़ों लोगों का गला तर करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं बारह के रानी बड़ौ सरपंच पुरुषोत्तम मीणा। मीणा जी, ERCP का MOU हुआ, अब DPR तैयार होने को है, कितनी खुशी है? इसकी सूचना से पूरे इलाके में एक खुशी की लहर है, ये इस एरिए के लिए जीवनदायिनी साबित होगी और इससे पीने का और खेती का दोनों तरह का पानी इस इलाके को मिलेगा, तो इस एरिए के लिए ये जीवनदायिनी साबित होगी ERCP परियोजना। और इसके लिए मैं केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसानों के और 21 जिलों के लिए जो व्यवस्थाएं उन्होंने की है, जो उनकी सोच थी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बारह जिले की बात करें तो बारह जिले के अधिकतर इलाकों में खारा पानी है, खारा पानी लोग पी नहीं पा रहे हैं, बरसों से यही आस थी कि मीठा पानी मिले और अब ERCP के रूप में मीठे पानी की शुरुआत अगले सालों में हो जाएगी। ERCP से लोगों को पीने का पानी मिलेगा और खारे पानी की सुविधा, मतलब व्यवस्था जो है यहाँ बारह में कई जगह ऐसी दिक्कतें हैं, तो उससे लोगों को निजात मिलेगी और ये पीने का पानी अवेलेबल होगा। बारह की बात करें अपन,
तो 12 के कितने किसान लाभान्वित हो पाएंगे ईआरसीपी के पानी से? इसके माध्यम से लगभग ये रामगढ़ में जो डैम बनेगा तो लगभग यहाँ आसपास 51-52 गांव ऐसे हैं जिनको लगभग 9000 हेक्टेयर भूमि में से पानी मिलेगा। लगभग 9000 हेक्टेयर में किसानों की अगर अपन बात करें तो संख्या कितनी होगी, कितने किसान परिवार होंगे? किसान परिवार आप लेके चलो साहब 1000-1500 किसान परिवार पलेंगे। एक बड़ी बात ये आ रही है कि देखो ईआरसीपी को लेके लगातार कहा जा रहा है कि विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो 12 को किस तरीके से पंख लगे? 12 को ईआरसीपी से इस तरह से लगेंगे कि जहाँ रामगढ़ में ये डैम बनाया जा रहा है, एक रामगढ़ क्रेटर एक धार्मिक स्थल है तो वहाँ क्रेटर का काम चालू है, मतलब होने वाला है, और एक देवस्थान भी है, एक बहुत बड़ी मान्यता है वहाँ की, कृष्णाई माता जो मंदिर है उसकी एक मान्यता है। तो बाहर से लोगों का आना जाना रहेगा तो लोकल लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम और सोर्स उनका बढ़ेगा, तो इससे कई सारे फायदे होंगे साहब। तो देखिए ईआरसीपी को लेकर के जहाँ ये माना जा रहा है कि 21 जिलों को पानी मिलेगा, वहीं 12 के लोगों का ये कहना है कि धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ लोकल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को इस बात की खुशी है कि ईआरसीपी आ रही है और रोजगार भी ला रही है। राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी राजस्थान के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान में चंबल के पानी को एकत्रित करने का पहला पड़ाव रामगढ़ बैराज होगा, जिसका काम इसी साल शुरू हो जाएगा। अब हम यहां से पार्वती नदी की तरफ बढ़ेंगे जहां महालपुर बैराज यानी दूसरा पड़ाव होगा। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।